नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्यूटी एट होम चैनल में। आज हम देखेंगे कि कैसे हम पुराने दुपट्टे का यूज़ करके अपनी अलमारी में कपड़े रखने की जगह को बढ़ा सकते हैं, वो भी दुपट्टे को बिना काटे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले ये जो दुपट्टा है, इसके जो कॉर्नर्स में इस तरीके की लेस लगी हुई है, अगर आपके भी किसी दुपट्टे में इस तरीके की लेस लगी हुई है तो आप इसे निकाल दीजिए। मैंने उधेड़ के इसे निकाल लिया है। ये देखिए, दुपट्टा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब ये दुपट्टा पूरा कैमरे में नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं आपको एक पेपर की मदद से इसे बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा दुपट्टा है, तो हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करके हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि आप कॉटन का ही दुपट्टा यूज़ करें। इसके बाद में हमें इसे फिर से इस तरीके से टर्न करना है। अब ये देखिए, मैंने इस दुपट्टे को इस तरीके से, जैसा फर्स्ट फोल्ड मैंने आपको बताया था, उस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसे अच्छे से प्रेस कर लिया है, तो जिससे ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब ये जो कॉर्नर है, यहाँ से हम इसका नाप लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करी है। इस तरीके से हमें 7 इंच पर मार्किंग करनी है, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाऊंगी। 7 इंच की मार्किंग के साथ ही हमें सीधी लाइन बनानी है। अब ये देखिए, इस तरीके से पेपर पे मैं आपको बता देती हूँ, 7 इंच की इस तरीके से हमने मार्किंग करी है। अब हम इसका जो फोल्ड है, ये वाला फोल्ड खोलेंगे और पीछे भी इस तरीके की मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से जब हम फोल्ड खोलेंगे तो 7 इंच की एक साइड और 7 इंच की दूसरी साइड मार्किंग हो जाएगी। टोटल ये 14 इंच हो जाएगा। अब इन दोनों तरफ हमें सिलाई करनी है। अब इस तरीके से दुपट्टे में मैंने सिलाई कर ली है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, दोनों साइड सिलाई हमें करनी है। अब इस तरीके से ये जो एक साइड है, ये कॉर्नर, यहाँ पर हम हैंगर का यूज़ कर रहे हैं। हैंगर को इस तरीके से रखना है और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और अब हम इसे एक और फोल्ड करेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। इस पूरे पे हमें सिलाई करनी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब ऐसा ही हमें दूसरी वाली साइड पे भी करना है, दूसरा जो कॉर्नर है दुपट्टे का, उस पर भी इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ सिलाई कर ली है। और ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, जहाँ पर हमने दोनों साइड सिलाई करी थी सबसे पहले, ये देखिए इस तरीके से, तो ये ओपन है इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें 14 इंच की ही नाप का गत्ते का पीस लेना है। मैंने यहाँ पे 2 गत्ते के पीसों को अच्छे से टेप से चिपका लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर मोटा वाला गत्ते का पीस लेना है। पतला है तो आप 2 से 3 गत्ते के पीस अच्छे से चिपका लीजिए और उसे इस तरीके से अंदर इसके फिट कर देना है, इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। और आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये आपका ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है। दोनों हैंगर आप इस तरीके से टांग दीजिए, जो लंबी वाली साइड होती है, और इस तरीके से हम इसके अंदर कपड़े रख सकते हैं पूरे। और मैंने यहाँ पे जीन्स वगैरह रखी हैं। अगर आपको हैवी क्लॉथ्स रखने हैं तो आपको गत्ता मोटा लेना पड़ेगा। और नीचे भी इस तरीके से हमें स्पेस मिल जाती है। इस तरीके से वॉलेट आप रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, और सब कुछ बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।